मेरठ में अवैध कारोबार को रोकने के लिए आवाज उठाने वाले अधेड़ व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला पहुंचा एसएसपी के संज्ञान में। थाना खरखेद क्षेत्र में काशीराम कॉलोनी में अधेड़ के साथ रास्ते में मारपीट की शिकायत को लेकर अधेड़ व्यक्ति 90 साल की बूढ़ी मां आज एसएसपी कार्यालय में पहुंची, जहां अवैध कारोबार चल रही दबंग महिला ने अपने पुत्र की जान को खतरा बताकर एसएसपी अजय सहनी से सुरक्षा की गुहार लगाई। गौरत बल के साथ आपको बता चले कि 50 साल के अधेड़ जफर पुत्र जमीर ने अवैध कारोबार के खिलाफ स्थानीय लोगों को पुलिस के शिकायत करने के लिए आवाज उठाई, जिसके नतीजे में थाना नौचंदी क्षेत्र के डवई नगर गली नंबर 10 निवासी सट्टा संचालक सराया की पुत्री रेशमा ने जफर को उस समय पकड़कर पीटा जब जफर काशीराम कॉलोनी से अपने घर जा रहा था। मामले पर कार्रवाई करने के लिए जफर अपनी 90 वर्षीय बूढ़ी मां के साथ एसएसपी से जिले, जहां एसएसपी अजय सहिनी ने संबंधित थाने में मामले में संज्ञान की जांच का आदेश दिया। तो अब क्या आश्वासन मिला, आप लिख रही है रिपोर्ट? जो है इसके खिलाफ या तो करेंगे कार्रवाई, नहीं तो दोस्तों और ला के जमा कर दूंगी मैं, यहाँ धरने पर बिछा दूंगी मैं। यहाँ धरने पर बैठोगी? हाँ। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।